uh mm -hmm. सेगमेंट है जिसमें हम हम नात शामिल करते हैं और जादू जन्नात के हवाले से जो सवालात आपने हमने भे, हमें भेज रखे हैं वो हम शामिल करेंगे मुआज़ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तारुफ़ करवाता चलूँ कारी बिलाल मोआज साहब नाथ खां हैं इनको खुशाह मदीद कहेंगे कैसे आप खैरियत अल्हमद जी और इनके साथ मौजूद हैं कारी उस्मान असलम साहब मौलद जादू जन्नाथ हैं इनको भी खुश आमदीद कहेंगे सर असल कैसे सर अलहमदिल्लाद्ला बड़े सवाल इकट्ठे हो गए हैं जी हमारे पास और आपकी गैर हाजरी भी कुछ लंबी हो गई है हमें पता चला कि लोग आपको बुलाते हैं आपसे मोहब्बत करते हैं गरीब का कह के दूर तक ले जाते हैं ये जानेंगे जरा आपसे हम कि ये मामला क्या चल रहे हैं ारी ऊस्मान असलम साहब <coughs> आपके आने से पहले आज हमारी एक बहन ने कॉल की और उन्होंने कहा कि उनके चचा हैं उनका रिश्ता नहीं हो रहा बड़ी जगह कोशिश की है <coughs> तो उस वक्त भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे मौलाना अजमल भट्टी साहब तो मैंने कहा जी आ, मुफ्ती साहब से तो ये सवाल नहीं ये तो, आ, कारी उस्मान साहब के सेगमेंट में हो सकता है तो कोई दुआ बता दे पहले फिर उनको जी बिल्कुल दुआ पढ़नी चाहिए ये जो दुआ है ये कह लें कि रिश्ते के लिए भी बेहतरीन है जी और रिज़क के लिए भी और इसके अलावा जो ज़रूरियात इंसान चाहता है कि अल्लाह रब्बुल रब्ज़त मेरी पूरी फरमा दें तमाम ज़रूरियात के लिए बेहतरीन दुआ है रब्बी इन्नी लिमा अनजलता ख़ैरन फ़कीर अल्लाह रब्बुल इन इंशाल्लाह ताला अच्छा रिश्ता भी अता फ़रमाएँगे रज़ की कमी अल्लाह पाक रज़क में बरकत भी अता फरमाएँगे और अगर किसी को घर की ज़रूरत है घर नहीं मिल रहा है तो अल्लाह रबालजत अपना घर भी अता फरमाएंगे इस दुआ की बरकत के साथ माशा एक दफ़ा रिपीट कर दें काइंडली। जी रब्बी इन्नी लिमा अनजलता ख़ैरिन फ़कीर कि अल्लाह रब्बुल इज़त जितनी भलाइयाँ खैर में लिए रखी हुई है मैं इस वक्त उसका मुहताज हो चुका हूँ अल्लाह रबुजत मुझे वो अता फरमा दें सारी दुआई खैर की है खैर मांगने थीक। की थीक। तो कितनी दफ़ा पढ़ना है नमाज के, कसरत कसरत के साथ कोशिश करें नमाज़ पंचंगाना दा करें और उनके बाद कोशिश करें कि अगर एक एक तस्वीर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ठीक है आजकल आपके विजिट भी कसरत से हैं हमें पता चला है कि आप आते हमारी तरफ है निकल गई और जाते हैं आप तो ये मामला ठीक नहीं है कुछ <laughs> तो आपकी गैर हाजिरियाँ काफ़ी हैं जिसकी वजह से हमें फिर लोग पूछते हैं आपके चाहने वाले पूछते हैं परेशान है लोग दरअसल अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करें क्वेश्चन है जी शैतानी वसवसों से निजात का कोई वजीफ़ा बता दें जी ये शैतानी वसवसे जो हैं इनकी वजह से बहुत लोग परेशानी का शिकार हैं और इनमें अक्सर वो लोग कह लें कि जो नौजवान हैं हमारे वो इस चीज़ का शिकार हैं और बिलखसूस जो नौजवान नसल दीन की तरफ कुछ रागब हो रही है शतान उन्हें ज़्यादा वसवसों का शिकार बनाता है अच्छा क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है इसमें कि अगर किसी शख्स को वसवसे आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं वसवसों के पीछे ना चले बल्कि उन्हें बुरा जाने क्योंकि हज़रत अबू हुर रज़ी अल्लाह तैन से मरवी है कि पैगम्बर सलाम के पास कुछ सहाबा आए और अर्ज़ किया या रसूल وسلم कि हमारे दिल में बहुत ही बुरे वसव से आते हैं कि हम उन्हें बयान भी नहीं कर सकते यानी कि आप के बारे अल्लाह के बारे दीन इस्लाम के बारे बहुत ज़्यादा वसुसे आते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है हम उनका इज़हार भी नहीं कर सकते तो नबी आसाम ने फ़रमाया क्या हक़ीकता तुम उन्हें बुरा गर्दानते हो जी, जी, जी रसूल बहुत बुरे हैं तो फरमाया कि यही तो ईमान है यही ईमान का हिस्सा है अच्छा। कि आपको वसव से आ जाते हैं लेकिन आप उनके पीछे नहीं चलते हैं आप उन्हें बुरा समझते हैं तो अगर कोई शख्स वसवसों का शिकार है शतानी वसव आते हैं तो सबसे पहले ऐसे शख्स को चाहिए कि वो इन वसवसों के जस्तजू में ना जाए इनके पीछे ना चले इनका इजहार ना करे बल्कि इन्हें सबसे पहले अपने दिल में बुरा जाने और ये बात भी याद रखे कि चोर डाकू हमेशा उस घर में आएंगे जिसमें कोई माल व दौलत मौजूद है और शैतान भी उसी दिल में जाएगा जहाँ ईमान की दौलत मौजूद है यानी कि आपके दिल में ईमान है तो शैतान मसव से डाल रहना दाखिल कर रहा है तो अपने दिल में उन्हें सबसे पहले बुरा जानिए उसके बाद कोशिश करें कि तन्हाई से बचें तनहाई से तन्हाई से बचें क्योंकि तन्हा शख्स शैतान का अलाकार होता है और ऐसा शख्स जिसे वसवसे आते हैं बहुत ज़्यादा वसुसों का व शिकार है तो हम चंद वजाइफ़ आपके सामने जिक्र करते जी, हैं जी। ऐसा शख्स वो वजीफ़े वो वजाइफ़ करने शुरू कर दे अल्लाह रबुल्ज़त इस परेशानी से महफूज़ फ़रमाएंगे सबसे पहले जी आउज़ बिल्ल मिनश तो फिर आ मन तब्लही वसूल थर्ड रज़ीतुबिल्ल रबा व बिल्सलाम दीना वबी महमदिन नबी सल वसम और रबी आऊज़ बिका बिन हमज़ात शयातीन व आउज़ बीका रब्बी आई या हजरू ये चंद वज़ाइफ़ हैं इनको ये बक़सरत तिलावत शुरू कर दे इनको पढ़ना शुरू कर दे रब्ज़त इनशा ताला इस बीमारी से इस परेशानी से आपको महफूज़ फ़रमाएंगे ठीक है आगे पूछा गया सितारों की मदद से जो लोग अमलियात वगैरह करते हैं उनकी क्या हकीकत है अच्छा देखिए जो सितारों के ज़रिए जो अमलियात वग़ैरह करते हैं जी इन्हेंजुम कहा जाता है यानी कि इनका दावा है कि ये सितारों की गर्दश से लोगों के हाल मालूम करते हैं जिसमें ये ये चीज़ जाहिर करते हैं कि सितारों का असर है आपकी जात पर आपके रिजक पर आपकी ज़िंदगी और मौत पर जबकि अगर बुखारी शरीफ़ का मताल किया जाए तो हज़रत अबू अबोक रजी अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो सितारे हैं अल्लाह रब्बुल रब्ज़्ज़्ज़त ने तीन मकासद के लिए इन्हें बनाया है पैदा किया है पहला मकसद क्या है कि ये आसमान की खूबसूरती के लिए हैं आसमान की जीनत के लिए हैं दूसरा ये है कि ये आसमान से शयातीन को भगाने के लिए होते हैं और तीसरा ये है कि रात को जो रात के राही हैं उनकी रहनुमाई के लिए अल्ला रबुज़त ने सितारों को रोशन किया है आसमान पर सजाया है तो अगर कोई शख्स इन तीन मकासद के अलावा इनका कोई मतलब लेता है तो ऐसा शख्स ख़ता पर है और जब तक वो इस अमल को दोहराता रहेगा इसके पीछे चलता रहेगा वो वो इस तरह है कि उसने वो सारा वक़्त उसका वो बेकार गया है ज़ाया गया है और ऐसा शख्स इस चीज़ से उसे बचना चाहिए अल्लाह रबुजत से तोबा करनी चाहिए जो शख्स ये सितारों पर यकीन रखता है वो ये जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सितारों को पैदा किया है इसमें कोई ज़िंदगी मौत के या रज़ के बारे में कोई असरात नहीं हैं ऐसे तो इसलिए ये जितने भी लोग ये सितारों के ज़रिए ये अमलियात करते हैं या क्या फ़ा शनाश करते हैं और ठीक है ना ये नजूम का दावा करते हैं तो ये लोग ढोंगी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ग़लत बातों को मंसूब करते हैं ऐसे लोगों से बचना चाहिए अपने ईमान को बचाना चाहिए और हकीकता अगर देखा भी जाए तो ये जो रवाज है ये असल में हिंदू करते हैं जो हिंदुओं का है हमारे मुसलमानों का नहीं है इस्लाम में इसकी कोई हैसीत ही नहीं है लेकिन इस वक्त तो लोग साथ कुछ कुरान की आयात पढ़ देते हैं और दावा करते हैं जी हम तो कुरान सन्नत से कर रहे हैं हम कोई जादू वगैरह नहीं कर रहे सितारों का इलम बरहक है जबकि बिल्कुल ये गलत बात है बचना चाहिए हतमकान इससे बचना चाहिए और हमें हमेशा कुराने हकीम के साथ जुड़ना चाहिए। के के साथ साथ ही जुड़ना जुड़ना चाहिए चाहिए इस्लाम फरमान अच्छा उस्मान साहब ये रहनुमाई बहुत जरूरी हो गई यहाँ पे कि जो मॉडर्न एरा है, है उसमें कह देते हैं कि जी ये स्टार साइंस है जिसमें हम जी सितारों जी। का जिक्र कर रहे हैं कि जी मेरा स्टार कैंसर है जी जी जी। इनका कैप्रिकॉन है इनका लियो है इनका सेजिटेरियस है फिर हम देखते हैं कि अखबार में या बड़े बड़े अच्छे मैंने देखे मैगजीन उनमें लिखा होता है कि आज आ, स्टार्स आ, कैंसर के लिए ये होगा हाँ। आज का दिन या ये हफ्ता ऐसा होगा जी जी जी। आज सैजिटेरियस के लिए ऐसा होगा आने वाला एक हफ्ता ऐसा होगा और लोग उस पर इतम भी करते, इतमाद इस करते हैं इस हवाले से फरमाइए बहुत ज्यादा करते हैं है। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ये पिछले दिनों एक खातून है तो वकालत भी कर रही हैं ऐसे शोबे से वो वास्तः पढ़ी लिखी खातून हाँ जी पढ़ी लिखी खतून है जब उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि नहीं गर्स वो अब मैं करवा रही हूँ किसी से मैं रबते में हूँ तो वो कहते हैं ये कोई जादू वगैरह तो नहीं ये तो स्टार का इलम है इलम ये तो फिर मैंने उन्हें भी समझाने की कोशिश की है कि यह बिल्कुल ये इस्लाम शरीय महमदिया में इसका तसवर नहीं है इसको मायूब जाना गया है तो ये बिल्कुल भी ये तरीका जायज़ और दुरुस्त नहीं है ये गलत बातें अल्लाह रबुल्जत की तरह मंसूब करते हैं ये झूठ है और बिल्कुल फ्रॉड है इसमें कोई हकीकत नहीं है इससे बचना चाहिए एक गुफ्तगू करें तो वो इल्म की तक हाँ, आप उस पर कुछ लोग तो बड़े परेशान हो जाते हैं तो घर से नहीं निकलना तो ये तो तोहिमात में से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर पूछा कि कुछ शामिलीन बच्चों में जिन्नात की हाजिरी वगैरह करके रूहानी इलाज करने का दावा करते हैं और उनसे मालूम लेते हैं क्या ऐसा करना जायज और मुमकिन है यानी बच्चों में जन्नात हाजिर हो जाते हैं बच्चों में भी करते हैं नौजवानों में भी करते हैं अच्छा अच्छा देखें बात पता क्या निज़ामी साहब के मैं देख रहा था मोबाइल पे तो एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री के कोई प्रोड्यूसर थे या थे हदायतकार या कोई तो उनसे जो एंकर थे उन्होंने सवाल किया कि आप आए रोज़ देख रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ड्रामा इंडस्ट्री में फ़हाशी और यानी आम होती जा रही है इसकी वजह क्या है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कहने लगे जी हम वही दिखाते हैं जो लोग देखना, देखना चाहते हैं है। जो लोग पसंद करते हैं अब यही चीज़ इधर भी ये लागू होती है अब लोग क्या करते हैं लोग कहते हैं जी हमें कोई ट्रिक्स देखने को मिले कोई करामत देखने को मिले कोई सा हमें देखने को मिले मौज़े तो नबियों के दौर में हुआ करते थे अगर वली के हाथ में भी अल्लाह ने करामत रखी है तो उसमें भी अल्लाह इज़्ज़त का हुक्म होता है किसी वली के हाथ से वो करामत हो जाती है लेकिन हो अगर वली अच्छा और जो करामत होती है वो भी किसी ख़ास के साथ ही मंसूब होती है कोई दूसरा शख्स वो नहीं कर सकता यही करामत की तारीफ़ है अच्छा फिर क्या होता है कि ये लोग शोधाबाजियाँ दिखाते हैं ट्रिक्स दिखाते हैं और ये फ़ील करवाते हैं कि हमारे पास बड़ा इलम है या हमारे पास करामते हैं और इस तरह ये लोगों को गुमराह करते हैं मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों के पास अगर गए या वो हमारे पास आए हैं अलहमदिल्ला उनका कुरान सुनत के साथ इलाज करने की कोशिश की है बेहतरी भी उन्हें फ़ील हुई है तो वो कहते हैं कि ठीक है साहब हमें आराम भी मिला है सुकून भी हुआ है लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया अच्छा नहीं 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 रिपीट करें ये बात ज़रा थोड़ी समझने की है इलाज भी किया है हाँ जी आपको फाका भी हुआ है, है। बेहतरी भी हुई जी, है जी, जी। आप कुछ कर दिखा करके दिखाएं दिखा करके नहीं आपने आप ऐसे करके दिखा देते हैं कुछ <laughs> एकदम तारे नजर आ रहे। अब देखे ना लोग लो ये लोग ये चीज देखना चाहते हैं ठीक है अच्छा। ना कुछ अलग हो जैसे पानी का रंग चेंज हो गया है लाइटें बंद हो रही हैं जल रही हैं ऐसा वैसा तो लोग शोभाबाजी देखना पसंद करते हैं जिस वजह से हमारी ये ढोंगी आमलीन फिर शोधाबाजी दिखाना शुरू कर देते हैं जबकि असल जो कुरान और सुन्नत का जो तरीका कार है बड़ा ही सिंपल और सादा और बेहतरीन तरीका है दुनिया में जितना मर्जी सख्त तरीन मसला आ जाए अल्लाह के कुरान से उसका हल मुमकिन है बासानी मुमकिन है सिर्फ रुकिया के साथ ही मुमकिन है बुलंद आवाज से रुकिया करें उसका इलाज हो जाएगा फिर लोग जब ऐसी चाहते रखते हैं ये जो आम लीन है फिर ये तरह तरह की ढोंगियाँ ये शब्दाबाजियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं उन्हीं में से एक ये भी है जो आपने सवाल किया है कि किसी बच्चे को पास बिठा लिया है वो ख़ास उसने हर वक्त अपने साथ रखा है कोई नौजवान अपने साथ रखा हुआ है और फिर उसमें कहते जी इसमें जिन्नात की हाजिरी होती है जितने ये सारे बैठे हुए हैं मरीज बैठे हुए हैं ये इसमें जिन हाजिर होकर बताया गया जी किस में किस में क्या क्या मसला है कितनी देर से इसके घर में क्या चल रहा है क्या में से कोई आके उसमें जिन नहीं आ सकता अपने साथ जो होगा अपने साथ ये आ सकता है देखिए ना पहली बात तो ये है कि ये बात समझी आम लोग अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो अगर किसी के वजूद में जिसम जिसम में जन्नात दाखिल होकर गुफ्तु -गु करें तो वो इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है और जन्नात उसकी ज़ुबान से कलाम कर रहे होते हकीकत हैं हकीकत ये है हकीकत ये है अच्छा। और जब वो जन्नात को निकाला जाता है जिसम से तो उसके बाद वो जो शख्स है वो बेहोशी की हालत में उठता है और काफ़ी देर तक उससे हिला नहीं जाता जिसम को हरकत नहीं दे सकता कि इतनी वो तकलीफ वाली हालत होती है आपका मुशाह जी बिल्कुल ऐसा मुशाह है और होता क्या है कि जो साथ ये जो बिठाया होता है ये मिनपा हाजरी करते हैं फिर कहते हैं जी ठीक हो गया अपनी हालत में आ गए जी नेक्स्ट पेशेंट अब फिर उसमें हाजरी कर दी है तो बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है तो इस चीज़ से हम भी कोशिश करते हैं कि हतमकान हाजरी से बचा जाए क्यों फ़रमाया रबी आउज़ बिका मिनह मज़ा इश्तिन व आउ़ बिका रब्बी आई यजुरू नबी आसाम ने तो जन््त की हाज़री से पनाह तलब किया है ना जी हमें भी फरमाए पनाह तलब किया करें तो ये शौक़ से लोग कहते हैं जी दिखाएं ये करते हैं फिर ये शोभदाबाजी हाँ अगर हकीकतन भी किसी के वजूद में जिन्नात हाजिर हो सकता है तो वो जिसको तकलीफ दे रहा है उसी में होगा ना जी जिसकी तकलीफ है वही जाहिर हो सकती वही अपना जख्म दिखा सकता है अब तकलीफ खुदान हाँसा आप करो जख़म इनमें भाई में नज़र आए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है तो ये बिल्कुल शोधाबाजियाँ हैं और जब आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है पढ़े लिखे लोग हैं तो जब कोई ऐसी झूठी करामते या शोधाबाजियाँ दिखाने की कोशिश करता है ना तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती वो अया हो जाती मान साहब जैसे आप कह रहे हैं मैं इस बात को थोड़ा सेकेंड करके मज़ीद तोड़ देना चाहूँगा समझ आ जाए लोगों की इसलाह हो सकती है इससे सोशल मीडिया पर हम बहुत सारी वीडियोज देखते हैं एक पैनल

से ये सवाल किया जाता है अगर आपके पास जिन्नात हैं भाई तो उन्हें हाजिर करें ना उन्हें दिखाएं ना तो असल बात ये कि जिस के अंदर किसी के वजूद में अगर ऐसा है हमारे मुशाहे में आया है लेकिन बहुत कम तादाद है बहुत कम तादाद है ज़्यादातर कौन से लोग हैं जो या तो कह लें कि नफसियाती पेशिकली और दूसरे वह हैं जो अपनी कुछ डिमांड मनवाना चाहते हैं जो हमने पहले जिक्र किया हुआ है तो बहुत कम तादाद है कि जिनके जिसम में कोई जन््त दाखिल होते हैं और तकलीफ देते हैं या उसकी अपना ज़ुबान से कला करते हैं क्योंकि हमने ये पहले भी बयान किया है कि इंसान की जुबान से जन्नात आके कलाम कर सकते हैं इंसान इंसान की जुबान से कलाम कर सकता है तो जो जिन्नात जिस समय दाखिल हो सकते हैं इन शेतौन दम तो क्या वो जुबान से कलाम नहीं करता वैसे भी उस्मान साहब यह बड़ी लॉजिक वाली बात है एक शख्स या कोई भी फ़र्द है उसको अगर जिन तकलीफ दे रहा है या कोई भी ऐसी चीज तकलीफ दे रही है उसको तकलीफ़ हो रही है उसके होने से हो आप जब ये बार बार कहते हैं कि जी इनमें आ रहा है और ये आपको बताएगा तो वो उसको दिए तकलीफ दिए बगैर जा रहा है ये कैसा मजाक है और वो बड़े आराम से आ जाते और आराम से चला जाता है कोई मजाक हो रहा है ये अच्छा फिर इन यही वजह है ना मैं आपको बताना कि लोग शोधाबाजियों को भी पसंद करते हैं फिर इस तरह के ये अपना शोबाबाजिया करना शुरू कर देते हैं फिर लोग देखते हैं जो ये कर दिया वो कर दिया तो कई तो ऐसे हैं जी बैठे हैं मेरे पास एक शख्स ना रुका साइकिल लेके मेरे पास आए बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे हैं ख़ुद भी बहुत बड़े आलिम हैं माशा तो आए मेरे पास वो कहते कर काश आपको चेक करवाया आप कहते जी आपको कोई मसला नहीं ये देखें ये एक बहुत बड़े ये भी आमिल हैं तो इनसे मैंने चेक करवाया तो उन्होंने सारा लिख के दिया तुम पे तुम्हारे ऊपर चार साल पहले जादू हुआ था दो खुत थी एक मर थी जिसने जादू किया था आखिरी बार ये दो घंटे पहले आपके ऊपर चला है तो अच्छा चलाया लिख के दिया सारा लिख के दिए ये जी पर्ची ले जाए आपके ऊपर ये सारे मामला हुए अब लोग भी ये देखना पसंद करते हैं भाई कौन सा उसके पास ऐसा अलाकार है और इसमें मैं एक बात और भी ऐड करूँगा कि जब वो ऐसा शख्स जो ये बातें बता रहा है या वो उसने किसी बच्चे में किसी नौजवान में जन्नत की हाज़री की हुई है उसे गैब की ख़बरें बता रहा है ना जी क्या क्या हो रहा है क्या घर में चल रहा है कैसे तुम्हारे साथ मामलात हैं तो ये तो आप कह लें कि वो काहिनों वाला ही काम हो गया ना जी गैब की ख़बरें देने वाले और इनके पास जाने जाने से तो नबी ने बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि ऐसा शख्स जो किसी काहिन के पास जाए जादूगर के पास जाता है गैब की ख़बरें मालूम करता है चालीस दिन तक अल्लाह रब्ज़त इसकी इबादत को कबूल नहीं करते हैं और अगर कोई शख्स इनके पास चला जाए और वह गैब खबरें पूछे और वो कोई बता दे और ये शख्स उसकी तस्दीक कर दे, यकीन कर ले तो शख्स का जाना चाहिए सोशल मीडिया पर आपने वीडियो बड़ी वायरल देखी होगी बहुत ज्यादा लोगों के पास कि एक शख्स जिसका दीन इस्लाम के मुताबिक कोई हो लिया शरीय पर वो उस तरह से पाबंद नहीं है लेकिन उसने कुरान करीम को डोरी के साथ बांध के और वो आई डोंट रिमेंबर कि वो कैंची थी से तो से थी और वो दिखा रहा है कि और वो पूछ रहा है कि जी अगर इस पे जादू है तो रुक जाओ तो वो रुक जाओ ये हैं क्या कुरान इसलिए कुरान इसलिए देखिये ना कुरान को हमने आया किस लिए था और हम इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं कुरान आया था पढ़ने के लिए अमल करने के लिए अब हम क्या करते हैं शादी के दिन ना तो बच्चे के सर के ऊपर से ले ले लेके जा रहे हैं कुरान का साया ठीक है जी लिख के दे दिया पानी में भी खोकर आप ये पी जाएं या इस तरह कुरान को पकड़ लिया जी, एक हाथ में उसने कैंची पकड़ी उसने और अगर घूमेगा ये कुरान पा के असल में ये बेहरमती ही की जा रही है कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया कुरान अमल के की सब रॉन्ग नंबर और कुरान को खोल के करने का काम है असल मामला वो है उसको इस तरह से डिस्प्ले करना ये तोहन है इससे बचें बिल्कुल और ऐसे रॉन्ग नंबर से भी बचें सर थैंक यू वेरी मच अपने मुजुस मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा कारी बिलाल मवा साहब आप कहने का बहुत शुक्रिया कारी साहब खूबसूरत पढ़ते हैं आप और इस तरह पढ़ते रहिए और इज़्ज़तें कमाते रहिए हाँ माशाल्लाह और इनके साथ कारी उस्मान असलम साहब मौजूद हैं कार साहब आपके ब्याने का शुक्रिया जिधर को निकले वहाँ ही पहुँचा करें आगे से आगे <laughs> पहुँच जाते हैं आप जी थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत का शुक्रिया जी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी जाते जाते, जाते बस यही बात है कि मुझे उस टॉपिक पर रहना है और उस पर काम करना है और आप भी कोशिश कीजिएगा स्लीप मैनेजमेंट स्लीप मैनेजमेंट होगी तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर पॉकेट एज वेल के जेब की भी मैनेजमेंट हो जाएगी करके देखते हैं महंगाई का दौर है कुछ आसानियां हो जाएगी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए इनशाला फिर मुलाकात होगी नवीन निजामी पूरी टीम को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि